मेरा यूट्यूब चैनल वैष्णवी कम्बाइंड और हियर आई एम वैष्णवी रोहिया। सो पहली बात, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ और मैं यूट्यूब मुंबई के फैन फेस्ट में जा रही हूँ 2019 या और मैं इससे पहले मैं बहुत कुछ बोलूँ तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने अपना पूरा एक्साइटमेंट कूट कूट के वीडियो में भर के बोला है ना, इतनी सारी चीजें बोली उस वीडियो में जहाँ पे मुझे कैसा लगा फैन फेस्ट में, मुझे क्यों बुलाया और कैसे अप्लाई किया वगैरह, मैंने बहुत कुछ चीजें शेयर की थी। सो वो वीडियो जरूर देखना, आई बटन में ऊपर दे दूंगी, क्लिक करके प्लीज वॉच करना प्लीज यार। ओके सो नाउ मैं अब आज पैकिंग करने वाली हूँ और आज है 28 मार्च डे थर्सडे। सो आज मैं पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत मैसी रूम पड़ा हुआ है। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं और ये लॉक पड़ा है इसमें, मैं इसको अनलॉक कर चुकी हूँ बिकॉज ये लॉक था और इसके बाद ओपन दिस। क्यूट सा छोटा सा बैग, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मुश्किल से 2 या 3 4 ड्रेसेस सिलेक्ट की हैं। सो या यहाँ पे मेरी फर्स्ट ड्रेस हो गई और ये है मेरी सेकंड ड्रेस जो कि मैं वियर करने वाली हूँ 13 मार्च को इवेंट के टाइम। ऐसा लग रहा है इसमें कुछ और भी रख सकती हूँ, सो या मैं रखने वाली हूँ ये। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बैग। इस पाउच में मैंने बहुत सा जितना भी मेकअप का प्रोडक्ट था वो मैंने सारा कुछ इसमें फिल कर लिया, देख सकते हो बहुत कुछ है इसमें। मैं इसको बाय वन करके क्या दिखाऊं। टिबेट मेल्ट का मुझे ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्टिक विकी के फाउंडेशन भी मेरे पास है तो मैं अगर दिखाऊं तो ये वाला मैंने फाउंडेशन लिया है। टिबेट मेल्ट का मैंने ये आई शैडो पैलेट लिया है एंड स्टेक विकी का मैंने ये वाला मेकअप बेस लिया है क्योंकि मैं ना फाउंडेशन को ज्यादा कवरेज के कारण मैं फाउंडेशन में ज्यादा अकेले मैं उसको नहीं लगाती हूँ, तो उसके साथ मैं ये वाला मैं यूज कर लेती हूँ मेकअप बेस स्टेक विकी का ही, ये काफी अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी लाती हूँ फाउंडेशन में और यार मेरे पास बेटर बैटर ये है कॉन्टोरिंग का, ये मेरे पास हाईलाइटर और बैग में मस्कारा और मैंने ये वाला लिया है स्टे क्विकी का आई एम वेट एंड फ्लैसी वेट लुक टिंट का, इसमें 20 ml है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये और ये वेट एंड वाइल्ड का ये वाला फाउंडेशन। मैं इन तीनों चीजों को मिक्स करती हूँ और देन मैं फाउंडेशन की तरह फुल कवरेज देती हूँ फेस पे। और मैंने बैग में क्या लिया है, ये मैंने स्टिक विकी की ये लिपस्टिक ली है बिकॉज मेरे पास जो लिपस्टिक का कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है बट जो स्टिक विकी की ये लिपस्टिक है ये वाली लिपस्टिक ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये अगर आप एक बार इनको वेयर करते हो तो दावे के साथ आप इनको 24 आवर्स के बाद भी लगा सकते हो, मतलब वो बाद मतलब हटता नहीं है, रिमूव नहीं होगा जब तक आप उसको एकदम रगड़ रगड़ के ना छुटाओ तक छुटता नहीं है। तो इसके कारण मैं ये वाली लिपस्टिक लेके जा रही हूँ ताकि मैं अगर एक बार लिपस्टिक मॉर्निंग के टाइम में वियर कर लूँ तो पूरा दिन हो जाए पूरी नाइट हो जाए, सोते टाइम जब मैं रिमूव करूँ तभी लिपस्टिक में रिमूव हूँ वरना अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है ताकि एक दिन अलग एक दिन अलग ऐसा कुछ। और ये मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये लिया है फेस प्राइमर। गाइस क्या होता है ना अगर आपको प्राइमर नहीं है तो फिर आपके मेकअप में यू नो एक कवरेज और एक वो डलनेस फेस पे ना आए, इस वजह से हम लोग प्राइमर लगाते हैं। एंड या लिप बाम, मैंने ना लिप बाम अभी वियर नहीं कर रखा था तो मुझे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना होता है हर टाइम फटे ना, और इस टाइम बहुत हवा चल रही है बहुत मिट्टी के साथ बहुत डस्ट भी उड़ रही है जिसके कारण आपके ओंठ बहुत ज्यादा फटने लगते हैं। आप सोचते हो कि विंटर में फटते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम पे जो स्प्रिंग टाइप का कुछ सीजन चल रहा है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपके ओंठ फट सकते हैं तो केयर करना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे नीवे का ये चेरी साई ले रही हूँ ये लिप बाम। यहाँ पे मैं मेरे पास कॉम्पैक्ट में भी ऑप्शन है, लैक्मे है मेरे पास और एक और है मुझे याद नहीं है कौन सा ब्रांड का है वो, बट या मुझे ये एम्स्टरडैम का एस पी
50 वाला बहुत पसंद है कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसमें SPF 50 है तो सन यूवी रेस से पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि कहाँ कैसे है, तो एटलीस्ट ऐसी चीज वियर करके रखो जो SPF कम से कम SPF 50 की तो हो, वो चीज जो आप लगा रहे हो 30-40 में काम नहीं चलता ऐसे टाइम में। सो नेक्स्ट मेरे पास है ऑप्शन ये प्लस का, ये है वेट एंड वाइल्ड का प्लस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही मैं मेकअप क्वीन गर्ल हूँ, बट या मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है। सो और बहुत कुछ इस पाउच में ना, बहुत स्पेस होने के कारण ना बहुत कुछ आया है। और नेक्स्ट है ये स्टिक विक्की का लूज पाउडर जो कि मैं लेके जा रही हूँ, एकदम लूज है, आप देख सकते हो एकदम लूज है। ये क्या करेगा मेरे जो मैं जो कुछ भी लगाऊंगी अपने फेस पे, मतलब जो भी लेयर्स चढ़ाऊंगी फाउंडेशन की, कॉम्पैक्ट की, कॉन्टोर की या ब्लश की, हाइलाइटर की, तो वो सब चीजें एक जगह थम जाए, बनी रहे और घंटों तक बनी रहे, तो उसके लिए आपको चाहिए लूज पाउडर जिसकी हेल्प से आप उसको सेटल करते हो, सेट कर सकते हो, सेटल डाउन कर सकते हो एकदम वहीं पे। तो मैं स्टिक विकी का ये लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, घर पे भी है लूज पाउडर बट वो नहीं है मेकअप के लिए बेस्ट है। वैसे मैं ना घर पे जो है वो वाला नहीं ले जा रही हूँ, बिकॉज ये है तो फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि इसमें ना फाउंडेशन और थोड़ा सा क्रीमी स्ट्रक्चर आ जाता है, अगर आप फाउंडेशन भी नहीं लगाओ इसे ही लगा लो तो आपको फेस लगेगा आपको मेकअप लुक में हो। और यहाँ पे मेरे पास है लिक्विड में आईलाइनर, मेरे पास लिक्विड में आईलाइनर में ये पेन लाइनर है, एप्लीकेटर है, वो बहुत सॉफ्ट है इसलिए मैं इसे अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसा मेकअप मुझे करना है जिससे ना मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग रहे। शेड नंबर है 2 और एक कलर नहीं है वाला शेड, देख सकते हो ये ऑरेंज का कलर करेक्टर, मेरे जितने भी डार्क एरियाज है ना वहाँ पे मैं इसको इसकी हेल्प से हाइड करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको ले जा रही हूँ। और ये शेड है 11, ये शेड ये है, ये भी एक तरीके से कलर करेक्टर है बट ये आपके डार्क सर्कल्स वगैरह वो हाइड नहीं करता है, या आपके फेस पे बने हुए तेल वगैरह हो गए या फिर कुछ ऐसी दाग है या फिर पिंपल्स है या बहुत अजीब सा गड्ढा टाइप का फेस पे बने रहते हैं ना, वो सबके लेयर बनाने के लिए ये ग्रीन कलर करेक्टर कंसीलर यूज करते हैं। तो मैं इसका ये वाला ऑप्शन मतलब कंसीलर ले जा रही हूँ। एंड ये है शेड नंबर 1 जो कि मेरे शेड का कलर कंसीलर है, तो मैं इसको भी वियर करके लेके जा रही हूँ। तो इसलिए 3 मुझे कंसीलर लेके जाने पड़ रहा है, तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण अलग अलग है ये, और ये मेरा बैग भर गया पूरा। सो बहुत कुछ मैंने इसमें मेरे छुटकू से बैग में बहुत कुछ आ गया। एंड यस ये हो गया मेरा मेकअप का सारा सामान, और इसको भी अच्छे से पैक कर लेती हूँ। मेरा मिनी बैग है, इसमें मैंने बहुत चीजें ली है, बीइंग एन गर्ल्स मुझे लगता है कि मैं ना सब कुछ घर से लेके चली जाऊँ और जहाँ पे जाऊँ वो वहाँ पे एक अलग सा घर बना लूँ, कि ऐसा लगता है ये इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है, यार इतना सामान। सो ये मैंने लिया है नीविया का डिओड्रेंट, व्हाइटनिंग सेंसिटिव इवन टोन अंडर आर्म्स, तो ये 48 आवर्स प्रोटेक्शन और इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है इसमें, सो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। और ये अंडर आर्म्स अगर ये आप डिओड्रेंट यूज करते हो तो आपके अंडर आर्म्स का जो बहुत ज्यादा डार्कनेस है वो उसको वाइटन करता है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन ले रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना इसमें थोड़ा सा शॉर्टेज आ रहा है तो मैं ये सारी चीज इसमें फिलअप करने की कोशिश कर रही हूँ जितना आ जाए। और यहाँ पे मैं जॉय की SPF 40 का यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत जरूरी है हमारी जो UVA UVB जो भी प्रोटेक्शन से मतलब मुझे वो प्रोटेक्शन दे और स्किन का ना जो कलर है वो डार्क ना हो पाए तो उसको भी प्रिवेंट करे। और यहाँ पे पपाया एंड सैफ्रोन से मिलके ये बना है और ये 60 ml है, इसका कॉस्ट है 125, ये मैंने ऑफलाइन लिया था। तो जॉय के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जॉय की क्रीम बहुत लगाती हूँ फिलहाल। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स लिए हैं, ये है हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट, आई थिंक हर बॉय और गर्ल के पास हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट तो जरूर होना चाहिए। ये वाला जो हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट है ये जैस्मिन से मिलके बना हुआ है और इससे ना आपके फेस में ना इस टाइम समर चल रहा है तो आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए, तो आप ये हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट यूज कर सकते हो, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। और ट्रेवल टाइम में ये मेरा बहुत हेल्प करने वाला है, जस्ट मुझे जब भी थोड़ा सा लगेगा थोड़ा अजीब सा और थोड़ा सा अपनी स्किन थोड़ी सी वो हो रही है लूज हो रही है तो उसको हाइड्रेट करना, उसको एनर्जी देना, आई जस्ट यूज दिस, आई जस्ट डायरेक्टली स्प्रे दिस ऑल ओवर माई फेस। तो ये हो गया
है गुड वाइफ का रोज ग्लो टोनर, ताकि मैं जब मेकअप करूँ तो अपने स्किन को प्रेप कर सकूँ मेकअप के लिए, क्योंकि मैं अपने फेस पे मेकअप इतना सारा लगाने वाली हूँ, तो मेरी स्किन ना उस चीज को झेल ले, थोड़ा सा गंदा ना लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत गंदा लग रहा है मेकअप। तो उसके लिए मुझे अपने फेस को प्रेप करना पड़ता है। प्रेप करने के लिए मुझे मॉइस्चराइजर, टोनर और क्लींजिंग की हेल्प करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे टोनर में यूज करती हूँ रोज ग्लो टोनर, क्योंकि रोज वाटर की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये नीविया का क्रीम, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है, मेरे पास नीविया का वो विटामिन ई वाला जो आता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और ये स्टिकी टाइप का है, थोड़ा सा लगेगा समर से स्टिकी वाला लगाऊं, बट यू नो अगर आपको फुल कवरेज चाहिए आपका फेस में बिल्कुल वाइटनेस ना है, क्योंकि बहुत सफेद सफेद लगता है फेस में, इसलिए आपको ना ये नीविया की क्रीम यूज करेंगे। ये वाली बहुत बेस्ट होती है, बहुत बेस्ट, इसके मैं कितने फायदे बताऊं। और टोनर हो गया और मॉइस्चराइजर हो गया, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये नीविया का केयर सावर क्रीम सॉफ्ट, क्योंकि ये क्या करता है, जब मैं इसे फेस वॉश करने वैसे फेस वॉश भी कर लेती हूँ, सावर भी ले सकती हूँ ऑब्वियसली, तो मैं इसे फेस वॉश जब करती हूँ तो मैंने इसमें अभी फिलहाल तो मैंने सावर नहीं लिया है इसकी हेल्प से, बिकॉज आई लव डव साबुन, सो इसलिए, बट या आई जस्ट ट्राइड दिस टाइम, क्योंकि अब मैं साबुन वगैरह सब कुछ नहीं जा पाऊंगी, इसके फायदे हैं, जब मैं इसको ले गई तो मेरा फेस भी वॉश हो सकता है, फेस वॉश है मेरे पास टी ट्री एलोवेरा का और मेरे पास क्लीन एंड क्लियर वगैरह है, बट यू नो मैं 10 चीजें ऑलरेडी मेरा बहुत स्टफ हो गया है, सो मैं ये नीविया का क्लियर सावर लेके जाने वाली हूँ, और मैं इसे सावर भी ले सकती हूँ, फेस भी वॉश कर सकती हूँ, और इसके साथ साथ इसमें जो प्रॉपर्टीज है मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप इससे फेस वॉश करते हो तो आफ्टर फेस वॉश आपका फेस एकदम मॉइस्चराइज हो जाता है, तो पता नहीं कहाँ से एकदम मॉइस्चर आ जाता है आपके फेस में, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मतलब फीलिंग, और स्मेल बहुत अच्छी है, सो ये भी मैं नीविया का यूज कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ये भी मैं नीविया का यूज कर रही हूँ, मेरे पास नीविया के बहुत ज्यादा कलेक्शन है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपना सारा कलेक्शन दिखा सकती हूँ नीविया का। तो यहाँ पे मेरे पास नीविया का ये है बॉडी मिल्क का नरसिंग लोशन, 48 आवर्स इंटेंस मॉइस्चर केयर, बिकॉज मुझे सच में 24 घंटे तो मतलब वहाँ इवेंट के आसपास रहना ही है, तो मेरे फेस में ऐसे जैसे ये करती हूँ ना, तो यू कैन सी इट, ऐसी लाइन ऐसी बन जाती है, तो ये ना मैंने लोशन नहीं वियर करके रखा है, जिसके कारण मेरी जो स्किन है वो बहुत वो रफ हो रखी है, मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं स्किन में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो मैं अपना मॉइस्चर लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे नीविया का ये नरसिंग लोशन बॉडी मिल्क यूज कर रही हूँ, ये 48 आवर्स तक रहेगा मेरे फेस पे, फेस एंड सॉरी फेस नहीं बॉडी पे, विद डीप मॉइस्चर सीरम, और इसमें ऑलमंड ऑयल भी दोगुना है, और वेरी ड्राई स्किन के लिए है, और मेरी स्किन इसमें बहुत ड्राई है, तो मेरे लिए बहुत सूट करता है ये वाला फॉर्मूला, और इसमें 200 ml है। इस टाइम मैंने इस टाइम ऐड किया है टीवी पे इसका, अगर आपने देखा नहीं देखा है, आई रियली डोंट नो इसका अनुष्का शर्मा ऐड कर रही है तो ये वाला सच में रियली बहुत अच्छा है। कहाँ पे मेरे पास है ये, मैं पूरा लेके आई थी, बट मैंने 3 बहुत ज्यादा फिनिश कर दी है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेबलेट्स है, और ये है नाइस, मैं मुझे ये टेबलेट अगर मिल जाती है मैं सर दर्द बुखार और जो कुछ भी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है उल्टी वगैरह अगर वॉमिटिंग होती है तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, तो मेरा सब कुछ सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं ये ले आई हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास NBY का मेकअप फिक्सर, यार ये कैसे भूल सकती हूँ, मेकअप कर लिया और मेकअप को फिक्स ही नहीं किया, ये तो जरूरी है, तो मैं NBY का यू यूज करती हूँ। एंड यहाँ पे मेरा ये परफ्यूम, और नेक्स्ट बींग एन बायो स्टूडेंट, बींग एन हैशटैग अवेयर विद बेस्ट ऑफ कंबाइंड, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि मैं ये भी लेके जा रही हूँ, बिकॉज ये इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत अमेजिंग, ये प्यारी सी मेरी गॉगल, आई रियली डोंट नो कि कैसी लग रही हूँ, बट मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, रियली डोंट नो। एंड मेरे प्यारे भगवान जी, मेरे हनुमान जी महाराज, आई थिंक मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्टिंग से अभी तक का सब कुछ इन्होंने किया, सो मुझे ये हनुमान जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं इनको भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, ताकि मेरी पूरी ट्रैवलिंग में मेरे साथ रहें। और यहाँ पे मैं इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे दूसरा बैग भी बनाया है, जहाँ पे ये हैंडी बैग,
इसमें मैं डालने वाली हूँ, इसमें भी एक है मेरा लिप बाम, इसमें ऑलरेडी एक पड़ा है लिप बाम, ये है, ये वाला है क्लियर एंड कलर रूबी रेड, तो ये मैं बहुत यूज करती हूँ, अभी बहुत मैंने इसको यूज किया एंड इसमें इतना है यू कैन सी, सो ये वाला मैं, इसमें लिप बाम है और एक चार्जर जो कि मेरे लिए मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं ट्रैवलिंग करूंगी, तो फोन चार्ज हो रखा है या नहीं, तो मुझे फोन चार्ज करना है तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। तब मैंने यहाँ पे ये एम आई का लोगो लगा है, ये मैंने एम आई का पावर बैंक है ये मेरा, और ये 10,000 mAh का है, और ये वाला भी ये पावर बैंक भी मैं लेके जाने वाली हूँ, मेरा फोन वगैरह अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों फोन एम आई के ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके जाने वाली हूँ ये एम आई का मिनी ट्राईपॉड, इसमें आपको ये कैप्सूल मिल जाएगा, इसको चार्ज करना बहुत सिंपल है, आप इसको एज अ ट्राईपॉड में भी आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे दिया गया चार्जिंग के लिए और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये ना चार्ज होने लगा डिस्चार्ज इस टाइम, तो ये चार्ज होने लगा है, आपको ये चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको अपने हाथ में रखना है, और यहाँ पे देख सकते हो कैमरा का आइकन बना हुआ है, तो आप क्लिक करोगे ना तो आपकी फोटो वीडियो जो कुछ भी है वो स्टार्ट भी हो जाएगी, और जो क्लिक करोगे तो वो खत्म भी हो जाएगी, तो एकदम कैप्सूल की तरह है, और इसको आप फिट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसको लेकर घूमो, और इसकी लेंथ भी इतनी है, काम चलाऊ है, आई लव दिस, और ये रोटेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, सो यार ये मैं लेके जाने वाली हूँ, ये मैं छोटे बैग में डालने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं हाइड्रेटिंग मिस्ट और फेस मिस्ट वगैरह लेके जा रही हूँ, तो मुझे कॉटन की जरूरत है, तो मैं कॉटन को भी लेके जाने वाली हूँ, पता नहीं कहाँ इसका पैक गिर गया, सो और यहाँ पे मैं ये लेके जाने वाली हूँ मेरा बैग, ये वाला बैग मैंने लिया था आगरा में, वो क्या जगह थी, सो ये मैं नेक्स्ट है ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा बैग, और ये मैंने परचेस किया था आगरा में, राजा मंडी है वहां से मैंने ये परचेस किया था, मुझे अप्रॉक्स ये बैग मिल गया था 500 टोटल, कोई मैंने वो भी नहीं किया, मतलब इतना ज्यादा मैंने उसे वो नहीं किया मोल भाव, सो बार्गेनिंग के बिना मुझे ये मिल गया, और काफी अच्छा बैग है ये, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मेरा आइडेंटिफिकेशन सारी आईडीज वगैरह, और अभी जो भी मुझे वहां पे मिलेगा फ्लाइट का या जो भी सब मैं इसी में आगे डाल दूंगी, यहाँ मेरा कुछ मनी वगैरह है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो मनी, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और इसके बाद इसको लॉक कर दो, और इसके बाद यहाँ पे भी पैसे पड़े सो या ये मुझे बहुत क्यूट बहुत अच्छा लगता है, सो या इसको भी मैं लेके जाने वाली हूँ इस मिनी में, मिनी वाले बैग में, इसमें पीछे साइड पर डालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें काफी स्पेस मिल जाता है इस बैग में मुझे, और आप चाहो तो यहाँ पे दो चेन है, इसको लॉक भी कर सकते हो, मिनी ताले के साथ में बस है मिनी ताला, सो ये, और नेक्स्ट है ये कॉम, जो कि मुझे बहुत जरूरत होती है, तो मैं मोटे वाले ये वाले इसका जरूर दांत का यूज करती हूँ कॉम, तो ये बहुत सही रहता है मेरे लिए, एंड ये टूथब्रश, क्योंकि इसके बिना आपका मॉर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो टूथब्रश तो आपके पास होना चाहिए ताकि आप सुबह एकदम क्लीन और फ्रेश फील कर सको। मोस्ट थिंग इज दैट कि मैं ये हील लेके जाने वाली हूँ पार्टी में, ड्रेसेस इस ड्रेस से पहनूंगी तो ये मैच करेगी, और ये मेरी स्लीपर क्यूट स्लीपर, सो मैं ये दो चीज लेके जाने वाली हूँ। ये ब्रश भी टूथब्रश भी इसको रखे दे रहा है, ये कॉम रखे दे रही हूँ मेरे हनुमान जी महाराज, ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट फिनिश, अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे बहुत जगह है, मैं यहाँ पे इस जगह पे रख सकती हूँ, बट नो आई एम नॉट
गाइस मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। आप देख सकते हैं मैंने जितना भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे रख लिया। मुझे सारा दिख रहा है मैंने क्या क्या रखा है। एंड यार मेरे सारे क्लोथ्स हो गए, एक क्लोथ तीन जोड़ी है, बाकी ये जो येलो ड्रेस है वो वियर करके जाने वाली हूँ। सो या इट्स टोटली फिनिश्ड। सो या ये हो गई मेरी पूरी पैकिंग। मैंने पूरा अपना बैग कर लिया है पैक और अब मैं जाने वाली हूँ। सो या ये मेरी पैकिंग कैसी लगी मेरे साथ, आप भी पैकिंग करो और इतने अच्छे से करो ताकि बहुत स्पेस 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 सारा स्पेस छूट जाए आपके बैग में और ताकि आप बहुत चीजें इसमें रख सको। एंड या ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई कमेंट करके आप बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको कौन वीडियो देखना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, डिमांड भी कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करो, कमेंट बॉक्स लास्ट में आपको मिल जाएगा। और वीडियो के नीचे जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन पे आप क्लिक जरूर करिएगा। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, मेरी पैकिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके लव क्रिएट देना मुझे। और इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो और न्यू आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज इट्स टोटली फ्री। और घंटी भी दबा लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।